हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस सीसम सीड या तिल्ली के चावल, जो टेस्टी तो है ही बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो ऐसे टेस्टी चावल के लिए मैंने लिया है तिल्ली, आधी कटोरी 1/4 कटोरी मूँगफली है, उसके अलावा ये हैं कुछ काजू, चना दाल, उड़द दाल, सूखा नारियल, उसके अलावा तेल। और तड़का लगाने के लिए मैंने यूज़ किया है, ये है सूखी लाल मिर्च है, उसके अलावा हींग, सरसों, जीरा, नमक, करिया पत्ती का स्ट्रिप और हरा धनिया। और ये हैं पके हुए चावल, ये 250 ग्राम चावल है जिनको मैंने अच्छे से भिगो के पका लिया है। सबसे पहले मैंने रखा एक पैन, उसमें मैंने डाला है आधी कटोरी तिल्ली डाल के। अभी हमें इसे केवल ड्राई रोस्ट करना है धीमी आंच पे, अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो तिल्ली जल जाएंगे। अब ये अच्छे से भून गए, मैं इनको निकाल रही हूँ। अब सेम इसी पैन में मैं डाल रही हूँ चना दाल, थोड़ा सा मैं तड़का लगाने के लिए बचा रही हूँ, और उड़द दाल भी थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए। मैंने 1.5 स्पून लिया है, 1 स्पून मैंने डाला है और आधा टी स्पून मैंने तड़का लगाने के लिए बचाया है। अभी मैंने इनको थोड़ा सा भून लिया है, उसके बाद इसी में मैं डाल रही हूँ मूँगफली, ये अराउंड 1/4 बाउल है, डाल के इनको मैं अच्छे से भून रही हूँ। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद मैंने सूखा नारियल डाला है। सूखा नारियल अगर मैं पहले डालती तो वो जल जाता है, इसलिए सूखा नारियल को मैंने बाद में डाला। अब मैं इसमें 4 से 5 मिर्चियों को तोड़ के डाल रही हूँ। ये मोटी वाली मिर्च है जिसे कश्मीरी मिर्च या भिंगड़ी मिर्च कहते हैं, जो दिखता लाल है पर तीखा नहीं होता है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है करिया पत्ती। अगर आप नॉर्मल मिर्च का यूज़ कर रहे हैं तो वो तीखा ज़्यादा रहेगा, इसलिए क्वांटिटी आप कम कर देना। वैसे ये मिर्ची डालेंगे तो लुक वाइज राइस बहुत अच्छा दिखेगा। अब ये भुन गया है, मैं इनको निकाल रही हूँ। निकाल के अब ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद मैं इनको ग्राइंड कर रही हूँ। पहले मैं इनको ग्राइंड कर रही हूँ, उसके बाद इसी मिक्सी के जार में मैं तिल्ली डाल के ग्राइंड करूँगी। अगर मैं पहले तिल्ली डाल के ग्राइंड करूँगी तो तिल्ली बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाता है और उसमें से तेल छूटने लग जाएगा, इसलिए हमें तिल्ली को बाद में डालना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तिल्ली। ये जो पाउडर है इसे हम लोग पहले से बना के भी एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्राइंड हो गया है। ये पाउडर अगर हम लोग पहले से बना के रख लेंगे तो हम लोग लेफ्ट ओवर राइस से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। अभी मैंने रखा है पैन, पैन में मैंने डाला है तेल, तेल डाल के मैं इसमें काजू डाल के फ्राई कर रही हूँ। काजू कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, काजू की जगह आप मूँगफली भी फ्राई करके डाल सकते हो। अब काजू फ्राई हो गया, मैं इनको निकाल रही हूँ। निकाल के अब इसमें तड़के वाली सारी चीज़ें डालेंगे, मैंने डाला है जीरा, सरसों, चना दाल, उड़द दाल, डाल के थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखी लाल मिर्च। ये राइस बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ हींग, हींग डाल के थोड़ा सा मिक्स करके फिर मैं इसमें डालूँगी करिया पत्ती। तिल्ली से ये चावल बन रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तिल्ली के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है। तिल्ली को स्पेशली हम लोग विंटर में या ठंड के दिनों में बना के खाते हैं, इसे वैसे 12 महीने खा सकते हैं। तिल्ली में बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है, इससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है, हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ पके हुए चावल। पके हुए चावल डाल के इसमें हम लोग ग्राइंड किया हुआ पाउडर डालेंगे, पूरा पाउडर हम लोग एक साथ नहीं डालेंगे, जितना ज़रूरत है पहले उतना डाल के मिक्स कर लेंगे, अगर कम लगेगा तो बाद में थोड़ा सा और डालेंगे। अब बचा हुआ पाउडर एयरटाइट कंटेनर में भर के हम लोग एक हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। चावल को हमें खिला खिला पकाना है, आप चाहो तो लेफ्ट ओवर राइस जो बचे हुए चावल है उसके साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं। अभी मैं इनको एकदम अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। ये राइस टेस्टी तो है ही, साथ ही बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और बनता भी बहुत ज़्यादा जल्दी है। बस पाउडर बना के रख लो तो आप विद इन 5 मिनट में ये रेसिपी बना सकते हैं। अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करके अभी मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई किए हुए काजू। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, फ्राई किए हुए काजू डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है। काजू डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये राइस अपने आप में एक कंप्लीट डाइट है, बस इसके साथ थोड़ा सा सैलेड और एक कटोरी दही या फिर ऐसे ही सर्व करो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अभी मैंने इसमें डाला है बारीक कटा हरा धनिया, डाल के मैं इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इसे आप ठंडा गर्म कैसे भी सर्व कर सकते हो, दोनों कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस तिल्ली चावल या सीसम सीड राइस बन के रेडी है। अब मैं इसे कर रही हूँ सर्व। अब आप भी ये टेस्टी हेल्दी तिल्ली के चावल ज़रूर बनाइए, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।